यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त अदनान, उम्मीद आप लोग खुशी से और खैरियत से होंगे। और पहले मैंने आपको बताया था कि किसी को एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप क्या ले सकते हैं, बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया हुआ था, तो होप कि वो वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सपोज आप एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो तो उसकी पेमेंट टर्म्स कंडीशन क्या रहती है, तो वही रिलेटेड आज का वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक्सपोर्ट बिजनेस में काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि हम एक्सपोर्ट स्टार्ट तो कर देंगे लेकिन हमारा पेमेंट किस तरीके से हमको मिलेगा। इसमें काफ़ी ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम हमारा पेमेंट अगर हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट किस तरीके से हमारा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो आइए ये पेमेंट की जो टर्म्स रहती है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर वही चीज़ हम आपके डिस्कस करना चाहेंगे। तो चार तरीके की रहती है, जैसे कि 100% एडवांस रहता है। अगर सपोज आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आपके प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो बायर आपको 100% पेमेंट लेगा। अगर 100% पेमेंट आ जाता है तो वेल एंड गुड, ये काफ़ी सिक्योर पेमेंट होगा आपका, आपका फिर आप एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। सेकंड रहेगा पार्शियल एडवांस रहता है, उसमें क्या रहता है 30% एडवांस रहता है और 70% CAD रहता है। CAD मीन्स कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, इस तरीके से रहता है। और सपोज मैं आपको बता दूं कि पेंडेमिक की जो कंडीशन थी उससे पहले इंडिया में काफ़ी चीज़ें हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे, तो चाइना वाले क्या करते थे कि प्रेफर करते हैं 30% एडवांस करना, जैसे कि 30% एडवांस वो लोग को हमें देना रहता था और 70% जो रहता है वो CAD रहता था, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट रहता था। सो 30% एडवांस क्यों लेते हैं वो बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि सपोज हमने कहीं पर हमारा गुड्स एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और हमने 30% एडवांस किया और बायर जो है जिसको हमने प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट किया है वो 70% पेमेंट नहीं दे रहा है और अपना जो वो है एक्सपोर्ट का जो हमारा गुड्स है वो पिकअप नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा पेमेंट किस तरीके से हम कवर करेंगे। तो हमारा यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करने का ही भी एक्सपोर्ट करने का यानी पूरा जो गुड्स रहता है उसका एक्सपोर्ट करने का कॉस्टिंग रहेगा 15% रहेगा और वहाँ से हमारा गुड्स वापस लाने का रहेगा 15%। इट मीन्स 30% एडवांस में हमारा गुड्स अगर सपोज बायर 70% देकर अपना गुड्स कलेक्ट नहीं कर रहा है तो हम 30% जो एडवांस किया है उसमें हमारा पेमेंट रिकवर कर सकते हैं इस तरीके से। और CAD की मैं बात बता दूँ कि 30% एडवांस तो कोई भी दे देगा आपको बायर जो रहेगा, लेकिन 70% आप CAD कराओ तो बैंक थ्रू कराओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें इस तरीके से रहता है कि जैसे कि हम जो डॉक्यूमेंट रहते हैं कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट वो हमारी बैंक को हम सबमिट करेंगे, तो हमारी बैंक क्या करती है कि जो बायर रहता है जो हमारा गुड्स परचेज करता है उसकी बैंक को हमारी बैंक जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सबमिट करेंगे और बायर जब तक हमारे नाम से 70% एडवांस जो पेमेंट जो पेंडिंग रिमेनिंग अमाउंट रहता है 70% वो उसकी बैंक में हमारे नाम से जब तक सबमिट नहीं करेगा वहाँ तक बायर की बैंक उसको डॉक्यूमेंट नहीं देगी, ये चीज़ रहती है। यानी वो पेमेंट क्या हो गया हमारा सिक्योर, 30% एडवांस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और 70% हम बैंक थ्रू करते हैं CAD, तो हमारी बैंक क्या करेगी बायर की बैंक को डॉक्यूमेंट देगी और बायर की जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट नहीं देगी बायर को जब तक वो 70% जो रिमेनिंग अमाउंट है हमारे नाम से उसकी बैंक में सबमिट नहीं करता। CAD अगर बैंक थ्रू करते हैं तो 100% सेफ रहेगा, तो ये कंडीशन रहती है। और सेकेंड कंडीशन रहेगी LC रहती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो 100% सिक्योर पेमेंट रहता है, वो भी बैंक टू बैंक रहता है और वो भी सिक्योर रहेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में आप बिजनेस करते हो तो पेमेंट की टर्म्स कंडीशन मैंने आपको बताया कि 100% एडवांस रहेगा, पार्शियल पेमेंट रहेगा वो 30% एडवांस 70% रहेगा, और वो चीज़ आपको करना है तो बैंक थ्रू ही करना है, वो 100% सिक्योर रहेगा क्योंकि बायर की बैंक जब तक डॉक्यूमेंट नहीं देगी और डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो अपने असाइनमेंट वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो पेमेंट जो CAD रहेगा और LC रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट और कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट CAD, ये दोनों चीज़ काफ़ी सिक्योर रहती है एक्सपोर्ट बिजनेस के। और आज की डेट में एक्सपोर्ट काफ़ी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करना बहुत इजी हो रहा है आज के टाइम पे, और ये जो पेमेंट रहता है वो काफ़ी सेफ रहता है क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट रहेगा बैंक टू बैंक रहेगा और हमारा बिजनेस रहेगा कंट्री टू कंट्री, तो काफ़ी सेफ रहेगा ये चीज़। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने जो वीडियो में दी होगी वो आपको बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया है कि एक्सपोर्ट करते तो उसमें क्या पेमेंट टर्म्स रहती है, तो ये आपको काफ़ी यूजफुल होगी, बेसिक नॉलेज आपको दिया है।
यूजफुल होगा आपको। और ऐसे काफी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ऐसे बिजनेस के रिलेटेड वीडियो भी और हम हमारे पर्सनल जो ब्लॉग्स रहेंगे वो भी वीडियो डालते रहेंगे। और इंशाल्लाह आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।